अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है कॉन्फ्रेंस डे 2, यानी पंजाब पेट्रियाटिक एसोसिएशन का डे 2 है कॉन्फ्रेंस का। तो अभी इस टाइम हो गए हैं 8:20, तो 9 बजे तक कर रहा था, बसेज आनी है। तो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ निकलते हैं और जहाँ से हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस पे जाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। आज मैंने डे 2 पे ब्लू कलर का जो है वो एम्ब्रॉयडरी प्रिंट वाला मैंने कौन आउटफिट वेयर किया था कॉन्फ्रेंस पे। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी। तो रिक्शे में बैठ के हम लोग पहले यूनिवर्सिटी पहुँचे। फिर जी जनाब, पता चला कि कुछ ऐसे शाहीन हैं जिन्होंने आज कॉन्फ्रेंस पे रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो जनाब पहले बसेज नहीं थी आ रही, अल्लाह अल्लाह करके बसेज आई और फिर वो जनाब बच्चे जो शाहीन हैं उन लोगों का लेक्चर भी था, क्योंकि उन्होंने तो पहले पार्टिसिपेट किया नहीं था। जिन्होंने पार्टिसिपेट पहले से कर लिया था उन लोगों का ऑफ था। तो वो जनाब जी 10:11 इधर ही बच गए, हमें इंतज़ार करते 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 ये हम लोग अपने फेलोज़ वगैरह को हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे कहाँ हैं। फिर हम लोग काफ़ी देर बसेज में बैठे उन बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे कि अभी आते हैं, लेकिन जनाब 10:11 बच गए थे यहीं पर। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके वो बच्चे आए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन आज करवानी थी। तो गाड़ी वगैरह चली, तो बस क्या ही कहें, अब हम कॉन्फ्रेंस डे 2 पे पहले ही ज़रा सा मूड ख़राब हो गया हुआ था कि इतनी देर होगी भी है, घर से इन्होंने कब का बुला लिया हुआ। तो ये रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की। और बताएं आप लोग सब ठीक ठाक हैं, स्टडीज़ वगैरह आप लोगों की कैसी जा रही हैं? अच्छा जी, ये रास्ते में सारी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। अच्छा, कॉन्फ्रेंस डे 2 इसमें जो मेन टॉपिक्स थे ना वो स्क्रीन टाइम यूजेज था, कि जो बच्चे छोटे एज के हैं 4-5 साल के या 10 साल तक के, वो भी आजकल जो है वो मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक जो रिप्रेजेंटर था उसने अपनी स्पीच दी कि स्क्रीन टाइम जो है वो कम होना चाहिए और ये हम अवेयरनेस माँ बाप जितना बच्चों के सामने कम मोबाइल यूज़ करेंगे बच्चे भी उस चीज़ को सीखते हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि वो मोबाइल कम से कम यूज़ करें। इसके अलावा उन लोगों ने बात की थी कि जो है हमारे पास चाइल्ड राइट्स के ऊपर ऑटिज़म डाउन सिंड्रोम पे कुछ रिप्रेजेंटर ने काफ़ी रिसर्च की हुई थी कि उन लोगों को अडोप्ट करनी चाहिए ये चीज़ें। अच्छा जी, उसके अलावा आज डे 2 पे भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपना मंजन बेचनी आई हुई थी। अच्छा, कुछ काफ़ी ये ब्रांड्स के भाई मैं नेम इन लोगों की वीडियो में आ गए काफ़ी हैं। अच्छा, इन लोगों ने ना काफ़ी एंटीबायोटिक्स का जो है वो नया नया फार्मूला लेके आए हुए थे। केमिकल फार्मूला तो सेम ही रहता है, बस ब्रांड का ज़रा ट्रेड नेम जो है वो चेंज होता है। कुछ लोगों ने एंटीबायोटिक्स में एजिथ्रोमाइसिन पे रिसर्च की हुई थी तो वो अपना मंजन बेच रहे थे, और कुछ स्फेलोस्पोरिन पे थर्ड जनरेशन जो कि अभी रेजिस्टेंट चल रही है बैक्टीरियाज के ऊपर, लेकिन उन लोगों ने कुछ साथ में स्फेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन के साथ साथ उन्होंने एक और एंटीबायोटिक का जो है ना उस साथ एडिशन करके ना तो उसको सेंसिटिव भी बना दिया हुआ है। और कुछ लोगों ने कफ सिरप बनाए हुए थे और मल्टी वाइटामस थे जिस पे बच्चे जो मिट्टी वगैरह खाते हैं उसके हवाले से, और उन लोगों ने कॉन्स्टिपेशन का जो है वो इशू जो छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है उस पर भी उन लोगों ने साशे टाइप कुछ मिल्क पैक पाउडर बनाए हुए थे कि आप उसको दूध में मिक्स करके बच्चे को दें तो उससे जो है ना उनकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। इसके अलावा उन लोगों ने अस्थमा पे और नेजल मास्क वगैरह पे भी दिया था। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए, आइसक्रीम वगैरह खाई जो कि फ्री मिल रही थी, आइसक्रीम रोल्स वगैरह भाई मिलनी चाहिए। उसके बाद जी लंच टाइम आया। लंच टाइम में जी मैं सही रिव्यू दूंगी इस होटल के बारे में कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कह लें कि एक लो स्टैंडर्ड का हॉल है ना उसका खाना इससे ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक था, स्पाइसी था, लेकिन जो एक होता है ना कि हाई लेवल होटल है तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो दूसरों में नहीं है, वो बात नहीं थी, बस ठीक था, नॉर्मल था। तो ये इसमें कौरमा वगैरह था, बिरयानी थी और साथ में खीर फीनी वगैरह। ये मैं अपनी प्लेट्स वगैरह और दोस्तों की प्लेट शेयर कर रही हूँ, जब उन्होंने देखना उन्होंने कहना तुमने मेरी प्लेट भी दिखाई। अच्छा जी, तो खीर थी, फीनी, सैलड वगैरह था, रायता वगैरह था,
तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद तो था कि बच्चों में जो है वो अवेयरनेस हो कि आपने मोबाइल कम से कम यूज़ करना है। ये मैं आप लोगों को मार्केट दिखा रही थी जो कि होटल के अंदर ही था, लोग टूटे हुए थे, रोटी पे शफीक अहमद रोटी खोल दे वाला सीन था। ओवरऑल कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, और इसके अलावा दूसरी भी स्पीचेस वगैरह मैंने सुनी जो कि बहुत ही इफेक्टिव थी। मतलब आप नॉलेज लेने जाते हो उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी हो, वो चीज़ मुझे नज़र आई। और स्क्रीन टाइम पे जैसे मैंने पहले बात की, इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे पाकिस्तान में माएँ जब बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देती हैं, लो भाई लगे रहो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि अब डॉक्टर्स वो एक बता देते कहते कि जब माएँ ऐसा दुखती हैं ना तो ऐसा होता है कि जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब। तो जी यहाँ इन्होंने इंटरनेशनल स्पीकर्स भी बुलाए हुए थे, जिसमें कोई डॉक्टर नासिर खान है, इन लोगों ने भी बात करनी थी स्क्रीन टाइम यूजेज पे। जिनको आवाज़ जा रही थी लेकिन उनको ये नहीं था पता कि मैं अब लाइव जा रहा हूँ, तो हम इंतज़ार कर रहे थे उनके बोल। जनरल पीडियाट्रिक्स एंड मेडिकल, शी हैज अ रिटायर्ड रो वाइस चांसलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द चाइल्ड एंड साइंसेज लाहौर, but as a dean and the chairperson of the department of development and behavior pediatrics, you are the first ever developmental and behavior pediatrician in the country with more than 40 research papers published in national and international journals. She has contributed a chapter on the name of the development of pediatrics in the textbook of the pediatrics by Pakistan Pediatric Association. You runs a charity Shahira Foundation established in the memory of your beloved daughter Dr. Shazia Maqbool. Constructed first screening test, Shamik, developmental screening tool. Let's ask him again. Mr. Das Mandarim, and assalamu alaikum to you all. I would like to thank the organizers of Pakistan Pediatric Association for AIDS Symposium, especially Dr. Naim Zafar and his team, and Child Rights, 13 Child Rights Conference. And I'd like to say hello to all my senior colleagues because of our you will see that at least one third using their mobile at one point or another via net during the session today. So screen exposure, when you talk about it, it's named as electronic cocaine, digital drug, used as a nanny, means of relaxation, and an educational tool as great by many, which it is actually. So now I come to the topic. Merits and demerits. I wrote it as having lots of panel discussions there in these sessions now. And then, of course, it can be highly productive because you get a lot of information for which you use to go to PubMed or other research engines to make yourself aware. And then they say 2 to 5 years is up to. Up to a limit. Which means that. इंटरेक्टिव प्रोग्राम देते हैं लेकिन ये 1 घंटा कंसिस्टेंटली 1 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिव मेडिसिन जिसे हमने मल्टीपल मेडिसिन भी रखी है, एक your incoming class in the new year, आप उनको ये टास्क दीजिए ग्रुप स्टडी का ऑन डिफरेंट टॉपिक्स कि आप उन्होंने ये करना है विदाउट यूजिंग मोबाइल और आईपैड और कंप्यूटर। सेकंड मेरे ख्याल में वही जो होम एनवायरनमेंट को मैंने कहा भी अपनी टॉक में मॉडल देखना है अखबार देखना है वो आप अपने मीडिया पर देखते हैं तो उसकी जो न्यूज़ आ रही होती है 12 घंटे बाद भी होती है। इसी तरह अगर आप कहते हैं हाथों घंटे बाद एक नई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो सब यूजफुल पड़ जाए। बच्चे ने तो अपना टास्क करना है खत्म करना है सो हम तो इस तरह सही रात भी वो लगे रहे तो पूरा नहीं होता। सो दैट आर्गुमेंट आई एम नॉट दूसरी एक चीज डेवलपमेंट में जो हम एक बहुत बड़ा मासूम है वो हमने आसानी तो है पैंपर्स हमारे यहाँ और 5-5 साल का वो बॉडी ट्रेनिंग रहती है और पैंपर्स का और तीसरी चीज है वाटर फीलिंग और ये सब कुछ प्रैक्टिस हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन जो सबसे बड़ा है ये जो स्क्रीन टाइम है ये जो चीजें हैं need to
work rather than being very fearful of the screens, because they are going to stay and they are going to increase in use in our professional life as well as our personal life. Thank you. Has entered into both patients as well as police alike. So I will request Professor Nasser Khan from Canada to talk on social media, a blessing or a menace for our adolescent. I've been listening to the whole of the discussion, and thank you very much, Professor Charles Abbott, and the deep opinion about all of these things. My presentation, I hope you can hear me. My presentation is absolutely what you people are saying, so I think we are rapidly sure. Let's move forward. I saw this here in Professor Shadia's presentation as well, but it was a technical difficulty, so I never knew what she was. तो जी, सारे इवेंट अटेंड करने के बाद डे टू ख़त्म हुआ यहाँ पे ही. तो यहाँ होटल से निकल रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं आप लोगों को डे 3 पे. तो उम्मीद है आप लोगों को भी लोग पसंद आएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.